भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने स्वीकार भी कर लिया है। पिछले ही महीने गुजरात से उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। वह उन 57 राज्यसभा सांसदों में से थे जिनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा था। नड्डा उन 41 उम्मीदवारों में भी शामिल थे जिन्होंने 2024 के महत्वपूर्ण यानी लोकसभा चुनावों से पहले हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों में निर्विरोध सीटें जीती हैं। उन्हें गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि नड्डा उन 57 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। इसके बाद वह गुजरात सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यसभा के लिए गुजरात से बीजेपी के 4 सांसद चुने गए थे। इनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और गोविंद भाई ढोलकिया शामिल हैं। नड्डा के राजनीतिक करियर की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में प्रवेश किया। उनके पिता पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1977 में एबीवीपी के टिकट पर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव के रूप में चुनाव जीता। वह एक साथ एबीपी के रोजमर्रा के कामकाज में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर काम किया। 29 साल की उम्र में नड्डा को 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भाजपा की युवा शाखा के चुनावी प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। 1991 में 31 साल की उम्र में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। फिर उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 बार जीते। 1993 से 98, 98 से 2003 और 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में वन पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने शिमला में हरित आवरण को बढ़ावा दिया और इसके लिए उन्होंने राज्य में कई वृक्षारोपण अभियान भी चलाए। जेपी नड्डा साल 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित समितियों के सदस्य थे। 2014 में वह स्वास्थ्य मंत्री बने और 2019 तक इस पद पर अपनी सेवा दी। उन्हें जून 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। बाद में वह बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। फिलहाल अब जेपी नड्डा गुजरात के राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में जाएंगे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।